चलिए, हमने अभी क्वेश्चन कर लिया था चार्टेड अकाउंटेंट एबीसी फर्म का। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन 57 है मेरे असाइनमेंट में, और क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्स वाई जेड एंटर इनटू द पार्टनरशिप फर्म 1 अक्टूबर। अब यहाँ ध्यान देना कि क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि यहाँ तीन पार्टनर है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, और 1 अक्टूबर को इसने काम स्टार्ट किया, 1 अक्टूबर को। तो समझ रहे हैं आप, जब फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होगा मार्च में, जब मार्च में एंड होगा तो सारी चीजों पे कैलकुलेशन 6 मंथ का जाएगा, कैलकुलेशन 6 मंथ का जाने वाला है। तो कहता है यहां पे, और रेशियो 4:3:3 है, 4:3:3, ठीक है। एक्स हैज पर्सनली गारंटी दैट जेड शेयर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जेड को गारंटी दिया जा रहा है कि जेड आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद प्रॉफिट में से आपको 80,000, कहता है कि चार्जिंग 10% इट वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन एनी ईयर, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ के साथ 80,000 80,000 भी आपके कहीं नहीं गए, 80,000 भी तो आपको मिलना तय है द कैपिटल कंट्रीब्यूट। अब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो इन सब ने कैपिटल भी लगाया है, कैपिटल कितने कितने, 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 160, तो नेट प्रॉफिट लिखते हैं यहां पे, नेट प्रॉफिट 160। अब चैलेंजिंग मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं क्योंकि यहां पे आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन में थोड़ा सा आपसे माइंड से स्किप हो सकता है कि भाई ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पूरे साल का निकाल दो, 10% लिखा हुआ है। तो ध्यान देने वाला बात है कि हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च है, तो सिर्फ 6 मंथ का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसके ऊपर अगर मैं 10% निकालू तो 30,000 नहीं आएगा, पता है कैसे निकालेंगे, 3 लाख और 6 मंथ का निकालेंगे, 6/12, यानी कहने का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई 15,000, इस पे 10,000। लास्ट वन पे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 150 पे 10% 7,500 है ना। अब प्रॉफिट निकालते हैं बस, अब क्वेश्चन में कोई ज्यादा ट्रिक नहीं था, वन सिक्सटी माइनस 15,000 माइनस 10,000 माइनस 7,500, जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया है 127,500, जो कि बटना किस में है, टू प्रॉफिट एक्स में, वाई में एंड जेड में बटना है, रेशो तो 4:51,000, 3:38,250 एंड 3:38,250। तो आप क्वेश्चन में देखो बड़ा कम प्रॉफिट इनको मिला है। अब एक बार फिर से मैं लाइन पढ़ देता हूं, क्वेश्चन में कहता है कि उसको 80,000 रुपये हर साल मिलेगा, चाहे कोई भी साल हो, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, ये जो है ना, इसको जेड को ये एनुअल दिया गया है गारंटी, अब 6 महीने काम चला है तो 6 महीने के अकॉर्डिंग कितने मिलेंगे बताइए, 40,000 है ना ट्रिक इसमें। आप जल्दबाजी में 80,000 के हिसाब से दोगे, इसे 40 मिलना चाहिए, जिसमें से इसे 38,250 तो मिल ही चुका है, गारंटी किसने दिया, एक्स हावेवर पर्सनली गारंटी एक्स ने दिया, तो भाई कितने कम पड़ गए, 1750। तो यहां क्या करेंगे, इसमें से 1750 माइनस,
और यहाँ 1750 ऐड, इसको मिल गए पूरे 40 गारंटी, और इसको 38,250, और इसको माइनस कर दो आप 1750 रुपये, ठीक है, 51 माइनस 1750, 49,250। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर मेरी असाइनमेंट का। देखो ये सारे क्वेश्चन आपको टीएस में मिल जाएंगे, आप बुक लेके अच्छे से स्टडी कर सकते हो, कोई असाइनमेंट और मैं कट कॉपी पेस्ट करके आपको बोलूं कि ये क्वेश्चन मैंने करा उसका कोई फायदा है नहीं, बुक के ही क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। हाँ तो 57 आप एक बार नोट करिए, फिर हम आएंगे 58 पे। आज हम जैसे कि बोला था कि डाउट भी खत्म करेंगे और साथ के साथ हम मैनेजर भी कम पढ़ा, ये चैप्टर ओवर हो जाएगा आपका।